अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर ट्वेंटी सी एस सिक्स वन जीरो का कंप्यूटर नेटवर्क्स और इसका जो टॉपिक है जो डिस्कशन टॉपिक है ए टी एम एंड नेटवर्क ओनरशिप है ठीक है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें जो सेल्स वज पैकेट्स हैं सेल्स का पैकेट्स uh, में डिफरेंस uh, है ए टी एम डिजाइनर चूज़ सेल्स ओवर पैकेट्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न जो ए टी एम डिज़ाइनर्स हैं आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो एटीएम डिज़ाइनर्स हैं वो सेल्स को क्यों चूज़ करते हैं पैकेट्स के ऊपर तो उसकी रीजन्स क्या हैं सेल्स आर नॉट वेरिएबल वेरिएबल लेंथ इन मेमोरी मैनेजमेंट फॉर देम इज सिंपलर ठीक है सेल्स जो है आर नॉट वेरीबल लेंथ और मेमरी मैनेजमेंट जो है उनकी सिंपलर है हैंडलिंग वेरिएबल लेंथ पैकेट्स लीड्स टू मेमोरी फ्रैगमेंटेशन। हैंडलिंग वेरिएबल लेंथ पैकेट्स जो लेंथ पैकेट्स होते हैं उनको हैंडल करना लीड्स टू मेमोरी तो ये मेमोरी फ्रैगमेंटेशन की तरह को लीड करता है और वेरी वेरीएबल लेंथ पैकेट्स रिक्वायर्स हार्डवेयर जो वेरीबल लेंथ पैकेट्स हैं रिक्वायर करते हैं हार्डवेयर टू अकामोडेट द लारजेस्ट पॉसिबल पैकेट जो लार्जस्ट पॉसिबल पैकेट्स होता है एंड दस टू डिटेक्ट द एंड ऑफ द पैकेट और वो फिर लीड करते हैं डिटेक्ट करते हैं एंड ऑफ द पैकेट तक विद सेल्स बिट्स कैन जस्ट बी काउंटेड एज द अराइव द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड जो लेंथ ऑफ टाइम है रिक्वायर्ड होती है टू सेंड अ वेरिएबल लेंथ पैकेट इज़ वेरिएबल लेंथ वेरिएबल सेंड करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड होती है और एंड रिक्वायर्स ए कॉम्प्लीकेटड इंटराप्ट स्कीम और जो रिक्वायरमें एंडर्स uh, require होती है कॉम्प्लीकेटेड इंट्राप्ट स्कीम टू डिडेक्ट किस के लिए टू डिडेक्ट कम्पलीशन ऑफ ट्रांसमिशन जो ट्रांसमिशन है कि वो डेट कंप्यूटर वन से कंप्यूटर तक से सक्सेसफुली हुई है या नहीं उसको डिटेक्ट करने के लिए कंप्लीशन ऑफ ट्रांसमिशन क्यू ओ एस कार्ड बी गारंटेड विद वेरिएबल लेंथ क्यों एस को गारंटेड नहीं किया जा सकता विद वेरिएबल लेंथ पैकेट से एज ईजीली एज इट कैन विद फिक्सड लेंथ सेल्स जितना आसानी से वो फिक्स लेंथ के साथ होते हैं और ए टी एम स्पीड हैं ए टी एम डिजाइनर्स आल्सो चूज सेल्स टू मीट द नीड फॉर स्पीड जो ए टी एम डिजाइनर है वो आल्सो चूज करते हैं सेल्स को टू मीट द नीड ऑफ अ स्पीड सिंस जब से ए टी एम डिज़ाइन हुआ है टू हैंडल आर्बिट्रेरली लार्ज नंबर ऑफ़ यूज़र्स मतलब लार्ज नंबर यूजर्स को हैंडल uh, करने के लिए ईच ऑफ विच कुड बी विलिंग टू पे ऑफ हाई थ्रोपुट तो उनमें से जो हर एक है वो कुड बी विलिंग विलिंग हो सकता है टू पे हाई थ्रो पुड ए टी एम ए टी एम को जो है डिज़ाइन किया गया है टू वर्क ऑन फाइबर पे वर्क करने के लिए बट कैन बी यूज़ विद ट्विस्टेड पेयर बट इसको ट्विस्टेड पेयर के साथ यूज़ किया जा सकता है अ टिपिकल पोर्ट ऑन एन ए टी एम स्विच ऑपरेट्स एट ओ सी थ्री स्पीड वन फिफ्टी बाई वन फिफ्टी फाइव एम बी पी एस और हायर बहुत इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ है ये जो मैंने फ़ाइल बनाई है उस फाइल के अंदर भी एम सी क्यूज़ है जो ये आई थिंक क्वीज में आया हुआ था तो ए टी एम स्विच ऑपरेट्स है ओ सी थ्री स्पीड है और वन फिफ्टी फाइव मेगाबाइट पर सेकेंड और हायर है अप टू वन फिफ्टी फाइव एम बी से इस तरह से आया हुआ था ये ठीक है और ए टी एम सेटी है ए टी एम इज़ फार मोर एक्सपेंसिव ए टी एम जो है एक्सपेंसिव है दैन टिपिकल हार्डवेयर से और जो कनेक्शन सेटअप टाइम है मे बी एक्सेसिव फॉर शॉर्ट कम्युनिकेशंस मे बी एक्सेसिव हो सकता है शॉर्ट कम्युनिकेशंस के लिए और जो सेल टैक्स कंज्यूम सेल टैक्स कंज्यूम करते हैं टेन परसेंट ऑफ नेटवर्क कैपेसिटी ये एम सी क्यूज है, है क्यूज़ में आया हुआ था सेल टैक्स कंज्यूम टेन परसेंट टेन परसेंट ऑफ नेटवर्क कैपेसिटी करते हैं क्यू एस रिक्वायरमेंट माइट बी अननाउन जो क्यू एस रिक्वायरमेंट्स हैं अननाउन हो सकती हैं लीडिंग टू एप्लीकेशन स्पीकिंग वैल्यूज़ डेटा टू हायर और टू लो जो कि बहुत ज़्यादा हाई हैं और जो बहुत लो हैं ब्रॉडकास्ट इज़ इन एफिशियंट एंड हैज़ टू बी सिमुलेटेड बाई सेंडिंग द सेम मैसेज टू ईच कंप्यूटर सेपरेटली मतलब कि इन uh, एफिशियंट हो सकता है कि हम सेम मैसेज को ईच कंप्यूटर को अलग से भेज रहे हैं ए टी एम एज अ सिंगल यूनिवर्सल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी ए टी एम मतलब सिंगल यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी ने हैज़ ओनली मिन मिनिमल प्रोविजन फॉर इंटर ऑपरेशन विद अदर टेक्नोलॉजीज तो हैज़ ऑन मिनिमल प्रोविजन है फॉर इंटर ऑपरेशन विद अदर टेक्नोलॉजीज़ के साथ और नेटवर्क ओनरशिप है इसकी दो कैटेगरीज़ हैं प्राइवेट नेटवर्क है और सेकेंड uh, वन कौन सा है पब्लिक नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क की फर्दर आर्किटेक्चर है या उसकी मैनेजिंग प्राइवेट किस तरह से उसका किया जाता है तो पहले हम प्राइवेट नेटवर्क देख लेते हैं सिंगल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि प्राइवेटली क्या है अगर आपका व्हाट्सएप है तो वो आपके लिए प्राइवेट आपका है ना तो वह आपका पर्सनल है लेकिन बाकी लोगों के लिए वो प्राइवेट होगा तो इसी तरह से है कि सिंगल ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी ऑन दिस मतलब कि देर आर दे आर ओफन लैंड टेक्नोलॉजीज़ तो वहाँ पे लैंड टेक्नोलॉजीज़ होती हैं यहाँ पे सिंगल कंपनीज जो होती हैं या ऑर्गेनाइजेशन होती हैं देर कैन बी मल्टीपल लैंड और उस सेम बिल्डिंग में मल्टीपल लैंड हो सकती हैं या मतलब डिफरेंट बिल्डिंग्स को लिंक करने के लिए या कैंपस कैंपस लिंक टुगेदर दे समटाइम कॉल इंटरनेट और इनको हम समाइम कहते हैं इंट्रानेट और uh, नेक्स्ट है प्राइवेट नेटवर्किंग नेटवर्क आर्किटेक्चर इट ऑपरेट्स ऑटोनोमियसली फ्रॉम अदर नेटवर्क्स मतलब के दूसरे नेटवर्क्स पे ऑटोनोमियसली uh, ऑपरेट्स uh, करता है इट यूजली इंक्लूड्स वन और फ्यू क्लोजली मैनेज एक्सटर्नल कनेक्शन मतलब के uh, एक या uh, चंद ज़्यादा नहीं होते चंद एक एक्सटर्नल कनेक्शन होते हैं जो कि क्लोजली होते हैं दे माइट रिस्ट्रिक्ट एक्सेस और इनके रिस्ट्रिक्स रिस्ट्रिक्शन uh, लगाई जा सकती है उन एक्सेस uh, uh, करने पे उन कनेक्शन को मैनेजिंग प्राइवेट नेटवर्क है तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है बाय करती है इट्स ओन एकमेंट्स को और हायर करती है अपना स्टाफ टू डिज़ाइन टू अपने मेंटेन अपग्रेड नेटवर्क लाइक जैसे हमारे एक ऑफिस है तो उसमें ऑफिस uh, के अंदर uh, उनका अपना स्टाफ होता है अपनी डिजाइनिंग uh, होती है अपना सेटअप होता है उनका तो ये uh, उनके अंदर तो रिस्पॉन्सिबल है कि वो नेटवर्क फॉर ऑल नेटवर्क मैनेजमेंट और एक्सटेंडिंग प्राइवेट नेटवर्क द लार्ज में हैव मल्टीपल बिल्डिंग और कैंपस जो लार्ज ऑर्गनइजेशन होती हैं उनके मल्टीपल बिल्डिंग और कैम्पसेस हो सकते हैं और दे कैन ओनली इंस्टॉल केबल्स ऑन देयर ओन प्रॉपर्टी और वो इंस्टॉल कर सकते हैं अपने प्रॉपर्टी पे और दे मे कॉन्टैक्ट फॉर लीज लाइन फ्रॉम कॉमन कैरियर्स और पब्लिक नेटवर्क क्या होता है दिस इज ओन बाय कॉमन कैरियर्स कॉमन कैरियर्स से ओन करते हैं और फ़ोन कंपनी लाइक फॉर एग्जांपल जैसे फ़ोन कंपनी है द पब्लिक नेटवर्क्स आर डोज नेटवर्क विच आर ऑपरेटेड बाई कॉमन कैरियर जो कि वो पब्लिक नेटवर्क वो नेटवर्कस हैं जो ऑपरेट होते हैं कॉमन कैरियर्स पे और इट मे बी टेलीफोन कंपनी वो टेलीफोन कंपनी हो सकती है अदर ऑर्गनाइज ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है डेट बिल्ड नेटवर्क आउट ऑफ लीज लाइंस जो कि मतलब बिल्ड करते हैं नेटवर्क को आउट ऑफ लीज लाइंस और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्राइब्स एंड कनेक्ट उसको मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्राइब उसके कनेक्ट होते हैं डेटा ट्रांजिट पब्लिक नेटवर्क टू अदर ऑर्गेनाइजेशन डेटा ट्रांजिट होता है पब्लिक नेटवर्क टू अदर कनेक्शंस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवानटेज हैं पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क के जो कि स्टेबल में है पब्लिक um, uh, जो है नेटवर्क है वो फ्लैक्सीबल होता है और और इसका जो डिसएडवांटेज है वो है कि देर आर नो डिसीजन इक्विपमेंट और पॉलिसी तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की या पॉलिसी इक्विपमेंट नहीं होती है और प्राइवेट कंपनी जो है उसके ओनर हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर बोथ द टेक्निकल डिसीजन ओनर को कंप्लीटली जो है कंट्रोल होता है टेक्निकल डिसीजन पे और उसकी पॉलिसीज़ पर और एक्सपेंसिव होता है टू इंस्टॉल और उसको मैंटेन रखना ठीक है तो ये लेक्चर नंबर हमारा ट्वेंटी था ट्वेंटी वन को भी इसके साथ डिस्कस कर लेते हैं लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन नो इशू हम इसको कर लेते हैं इसके साथ ही तो नेटवर्क सर्विस पैराडिगम है तो विचुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन आपको जो है एज एम सी क्यूज आ सकता है स्टैंड फोर आ सकता है विचुअल प्राइवेट नेटवर्क ठीक है कम्बाइन फीचर्स ऑफ बहुत हैं ये विचुअल प्राइवेट नेटवर्क मतलब कि ये ये कम्बाइन करता है प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क को और इट इज़ लिमिटेड टू सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिमिटेड होता है और यू एंड यूज़ पब्लिक नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क को यूज़ करता है फॉर कनेक्टिविटी और ये कनेक्शन आज समाइम्स कॉल ट्यूनर्स एंड कनेक्ट साइट और ये कनेक्शन जो है uh, ट्यूनल्स भी कहते हैं और ये कनेक्ट करते हैं जैसे हमारी पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है और देर इज़ नो एक्सेस फॉर अदर यूजर ऑफ पब्लिक नेटवर्क और यहाँ पर अदर यूजर को अदर यूजर को एक्सेस नहीं होती है गारंटी गारंटिंग अब सेल्यूट प्राइवेसी तो इन एडिशन टू रिस्ट्रिक्ट पैकेट्स वी पी एन विचुअल प्राइवेट नेटवर्क सिस्टम यूज़ इंक्रिप्शन टू गारंटी एब्सोल्यूट प्राइवेसी एब्सोल्यूट प्राइवेसी को वीपीएन सिस्टम जो है वो इंक्रिप्शन का यूज़ करती है इवन इफ़ एन आउटसाइड डस मैनेज टू ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ द पैकेट एंड आउटसाइड विल बी अनेबल टू इंटरेप्ट कौन द लेकिन जो आउटसाइडर को वो किसी तरीके से ऑब्टेन कर भी लेता है कॉपी उस पैकेट की तो वो अनएबल uh, होगा उस के कॉन्टेंट को, को इंटरेप्ट करने से सर्विस पैराडिगम है एट द लोएस्ट लेवल मोस्ट नेटवर्क ट्रांसफ़र लोएस्ट लेवल पे हम जो बहुत से नेटवर्क हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं इंडिविजुअल पैकेट्स को इंडिविजुअल पैकेट्स डेटा के जो इंडिविजुअल पैकेट्स हैं और नेटवर्क रिक्वायर करता है ईच पैकेट के वो फॉलो करे एन एग्जैक्ट फॉर्मेट हो और डेडिकेटेड बाय द हार्डवेयर और डेडिकेटेड हो हार्डवेयर से विच इज़ कॉल्ड इंटरफेस पैराडिगम और सर्विस पैराडिगम एम सी क्यूज आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इसको अपने अपने माइंड में रखना है और कंटें कनेक्शन ओरिएंटेड इट इज़ सिमिलर टू द टेलीफोन सिस्टम जो कनेक्शन ओरिएंटेड है वो सिमिलर होता है टेलीफोन सिस्टम के एंड पॉइंट्स इस्टेबलिश एंड मेंटेन अ कनेक्शन जो एंड पॉइंट्स हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं और मेंटेन करते हैं कनेक्शन एज लॉन्ग एज दे हैव डेटा टू एक्सचेंज जब तक डेटा उनके पास एक्सचेंज होता है और कनेक्शन लैस हैं सिमिलर टू पोस्टल सिस्टम जो कुनेक्शन ये आपसे पूछा जा सकता है जो कनेक्शन ओरिएंटेड हैं वो किसके -किस सिमिलर होते हैं टेलीफोन सिस्टम के और जो कुनेक्शन लैस हैं वो पोस्टल सिस्टम के सिमिलर होते हैं ठीक है एंड पॉइंट्स डेटा पुट डेटा टू सेंड इन टू अ पैकेट एंड हैंड टू नेटवर्क फॉर डिलीवरी इसमें क्या है कि जो एंड पॉइंट्स है वो पुट करते हैं डेटा टू सेंड सेंड करने के लिए इंटू अ पैकेट और हैंड टू डिलीवरी और जो कनेक्शन uh, ओरिएंटेड है उस एंड पॉइंट इस्टेब्लिश एंड मेन्टेन कनेक्शन एज एज लॉन्ग एज देव टू एक्सचेंज डाटा ठीक है इसका डिफ्रेंस जो है एम सी के यूज़ में घुमा फिरा के इस तरह से पूछते हैं कि बंदा बस माइंड से निकल जाता है तो कनेक्शन औरिएंटेड सर्विस है वन एंड पॉइंट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कनेक्शन फ्राम नेटवर्क अदर एंड पॉइंट एग्री टू कनेक्शन एक जो एंड uh, पॉइंट है वो रिक्वेस्ट करता है कनेक्शन के लिए और जो अदर एंड पॉइंट है वो एग्री होते हैं टू कनेक्शन और कंप्यूटर एक्सचेंज डाटा थ्रो कनेक्शन जो कंप्यूटर्स हैं वो डाटा जो एक्सचेंज करते हैं कनेक्शनस के ज़रिए जब वन एंड पॉइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है नेटवर्क से कि वो ब्रे, वो ब्रेक करे कनेक्शन को जब ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाती है तो जब वो रिक्वेस्ट करता है तो वो जो जो नेटवर्क है वो कनेक्शन को ब्रेक कर देता है तो इस तरह से ट्रांसमिशन जब कम्प्लीट हो जाती है कंटीनियस एंड ब्रस्ट ट्रैफिक कंटीनियस और ब्रस्ट ट्रैफिक क्या है नेटवर्क हैंडलिंग लाइक जैसे वॉइस है और वीडियोस हैं आर ए, इन है, इंजीनियर टू तो एक्सेप्ट एंड डिलीवर कंटीन्यूस डाटा एट फिक्स रेट मतलब के वो आर इंजीनियर मतलब एक्सेप्ट और डिलीवर कंटीन्यूसली डेटा फिक्स रेट पर की जाती है। तो हैं अदर्स आर डिजाइन टू हैंडल ब्रश ट्रैफिक टिपिकली ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जो अदर हैं ब्रश ट्रैफिक है टिपिकली ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जैसे हमारे कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं और कनेक्शन डिसअपियर वेन नो डाटा इज सेंट जो कनेक्शन क्शन है वो डजेंट डिसअपेयर uh, नहीं होता जब डेटा सेंट uh, नहीं होता ठीक है और सिम्प्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स कनेक्शंस क्या होते हैं सम सम कनेक्शन ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज़ जो हैं प्रोवाइड करती हैं फुल डुप्लेक्स जबकि दूसरी जो हैं, है वो अलाउ करती हैं सिंपल कनेक्शन सिम्प्लेक्स कनेक्शन ठीक है और टू कम्युनिकेट यूजिंग अगर कम्युनिकेट सिम्प्लेक्स डिज़ाइन को यूज़ uh, करते हुए अब एक पेयर और जो है कंप्यूटर्स का मस्ट उसको अस्टैब्लिश होना चाहिए टू कनेक्शंस वन फ्राम कंप्यूटर ए टू बी एंड अनदर फ्राम कंप्यूटर बी टू है मतलब रिवर्स होना चाहिए कि दो कनेक्शंस हैं और उन कनेक्शन एक ए टू बी होगा और दूसरा बी टू ए होना चाहिए मस्ट होना चाहिए और कनेक्शन ड्यूरेशन एंड प्रिसिस्टेंस कनेक्शंस कैन बी मेड ऑन डिमांड सेटअप परमानेंटली और उसके दो टाइप्स हैं सी वी सी एंड पी वी सी और सी वी सी स्टैंड फॉर स्विच्ड कनेक्शंस और स्विच्ड विचुअल सर्किट्स ठीक है सी वी सी और स्विस्ट वर्चुअल सर्किट इसको दो नाम स्विच कनेक्शंस भी हम इसको कह सकते हैं और स्विच वर्चुअल सर्किट्स भी कह सकते हैं और पीवीसी को हम परमानेंट कनेक्शंस भी कह सकते हैं और परमानेंट वर्चुअल कनेक्शंस भी कह सकते हैं ठीक है जैसे आपको मुनासिब लगे तो इन दोनों में से ऑप्शन जो भी है वो आप लोगों ने इस तरह से सिलेक्ट करना है तो परमानेंट जो कनेक्शन हैं औरिजनली जो वो हैं हार्ड वाइड होते हैं और अब अब जो हैं कन्फिगर्ड हैं एज यूनिट टाइम पे सिस्टम्स के यूनिट टाइप पे और इस स्विच कनेक्शन जो है कंप्यूटर मेंटेन रखता है परमानेंट कनेक्शंस को टू नेटवर्क एंड नेटवर्क में कनेक्शन ऑन डिमांड और जो नेटवर्क हैं वो कनेक्शन बनाते हैं डिमांड्स पे जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं और स्विच नेटवर्क इज इन इज़ आ स्विच डेटा नेटवर्क सर्विस गारंटीज़ क्या होती हैं सम कनेक्शन नेटवर्क प्रोवाइड गारंटी जो जो सम कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं गारंटी अबाउट द सर्विस डेट कंप्यूटर विल रिसीव जो कंप्यूटर रिसीव करेंगे दे में गारंटी थ्रो पुट रेट मैक्सिमम पैकेट लॉस रेट वो उसको गारंटी uh, देते हैं थ्रो रेट मैक्सिमम पैकेट लॉस रेट के लिए फॉर एग्जाम्पल ए प्रोवाइड स्टेटस्टिकल गारंटी अबाउट परफॉर्मेंस तो ए जो है वो प्रोवाइड करता है गारंटी अबाउट परफॉर्मेंस के रिलेटेड और स्ट्रीम और मैसेज इंटरफेस है थम कोनेक्शंस ओरिएंटेड नेटवर्क प्रोवाइड स्ट्रीम इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं और इन विच जिसमें बाउंड्रीज़ आर रिकॉर्डेड जो बाउंड्रीज हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं डेट रैट रिसीवर में रिसीवर सिंगल ब्लॉक ऑफ सिक्सटी करेक्टर जिसमें रिसीवर एक सिंगल ब्लॉक को रिसीव करता है सिक्सटी करेक्टर्स का तो अदर प्रोवाइड या मैसेज इंटरफेस जो अदर्स हैं वो प्रोवाइड करती हैं इंटरफेस जो डिलीवर करते हैं डाटा इन सेम साइज़ चंक में और डेट ट्रांसमिट जिसको सेंडर जो है वो ट्रांसमिट कर सके कनेक्शन लेस सर्विस है इन कनेक्शन इज़ नो कनेक्शन कनेक्शन नेसेसरी नेसेसरी नहीं होता द सोर्स ऑफ डेटा एट डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन इन डेटा एंड डिलीवरी टू द नेटवर्क जो सोर्स है सोर्स है डेटा का मतलब जहां से डेटा आ रहा है और एट डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन वो डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन ऐड करता है डेटा में और डिलीवर करता है फिर नेटवर्क को जो नेटवर्क डिलीवर करता है डेटा आइटम इंडिविजुअली वो उसको इंडिविजुअली तो आगे डिलीवर करता है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर सर्विस पैराडिगम नेटवर्क प्रोवाइडिंग एक जो नेटवर्क प्रोवाइडिंग है वन सर्विस पैराडिगम टू द अटैच्ड कंप्यूटर अटैच्ड कंप्यूटर्स को पैराडिगम कैन यूज एन एंटायरली डिफरेंट नेटवर्क पैराडिगम इंटरनली तो वो उसको यूज कर सकते हैं एंड एंटायरली डिफरेंट सर्विस पैराडिगम इंटरनली फॉर एग्जाम्पल जैसे अपर एंड आरपा नेट माइंड से निकल गया था सॉरी तो आरपा नेट इस कनेक्शन ओरिएंटेड इंटरनली जो आरपा नेट है एक कनेक्शन ओरिएंटेड इंटरनली है और कनेक्शन लेस है एक्सटर्नली मतलब के एक्सटर्नली हम इससे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंटरनली कनेक्टेड ओरिएंटेड है ठीक है कंपैरिजन है कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस का जो अकाउंटिंग uh, है इस ईजियर कनेक्शन ओरिएंटेड में अकाउंटिंग जो है वो ईजियर होती है एप्लीकेशन कैन लर्न ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम्स इमीजिएटली एप्लीकेशन जो है वो जो नेटवर्क प्रॉब्लम्स हैं उनको इमीडिएटली गेट कर लेती है और जो कनेक्शन लेस हैं इट हैज़ फीवर ओवरहेड्स होते हैं और ये इट इज़ ईजियर टू इम्प्लीमेंट एंड नेटवर्क इसमें नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करना ईज़ी होता है एन एग्ज़ाम्पल ऑफ सर्विस पैराडिगम इन शोनिंग द फिगर टेक्नोलॉजी अथरनेट ये डॉट्स इसके कनेक्शंस को ज़ाहिर कर रहे हैं फ्रेम रिले एस एम डी एस ए टी एम जो हम जो ऑलरेडी सारे डिस्कस कर चुके हैं एड्रेसेस एंड कनेक्शंस आइडेंटिफायर्स एड्रेस अ कंप्लीट यूनिक आइडेंटिफायर है जो एड्रेस जो है वो एक कंप्लीट यूनिक आइडेंटिफायर है और जो कनेक्शन लैस डिलीवरी रिक्वायर्स एड्रेस ऑन ईच पैकेट जो कनेक्शन लैस डिलीवरी है रिक्वायर्स करती है एड्रेस ईच पैकेट पर कनेक्शन ओरिएंटेड डिलीवरी जो कनेक्शन ओरिएंटेड डिलीवरी है कैन यूज शॉर्ट हैंड एंडफाई बिट एड्रेस है तो उसके ट्वेंटी फोर बिट कशन आइडेंटिफायर है और कनेक्शन इंक्लूड होते हैं एट बिट विचुअल पाथेंटिफायर सिक्सटीन बिट विचुअल सर्कट एडियन आइडेंटीफायर ठीक है एट बिट विचुअल पाथ आइडेंटिफायर्स होते हैं और सिक्सटीन बिट विचुअल सर्किट आइडेंटिफायर्स होते हैं और द कनेक्शन आइडेंटिफायर इज़ लोकल टू ईच कंप्यूटर ईच कंप्यूटर के लिए जो आइडेंटिफायर है वो लोकल होता है और वो डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट पार्ट्स के लिए या और ए टी एम स्विच के लिए ठीक है लेक्चर नंबर ट्वेंटी वन भी हमारा हो गया ट्वेंटी टू इजी तो है शॉर्ट भी है तो इसको साथ ही कवर करते हैं नो प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो भी तो बनानी है तो को, क्यों ना इसी में कवर कर लिया जाए तो देर आर टू टाइप्स ऑफ करैक्ट्रिस्टिक्स इन केस ऑफ नेटवर्क परफॉर्मेंस नेटवर्क परफॉर्मेंस की टू टाइप्स हैं डिले एंड थ्रोपुट डिले अब डिले क्या है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वानिटेटि क्वान्टिटिव प्रॉपर्टी ऑफ नेटवर्क एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी uh, है क्वान्टिटिव प्रॉपर्टी है नेटवर्क की डिले इज़ अ मैयर हाउ लॉन्ग डिले एक मैयर है uh, एम सी क्यों जा सकता है डिले इज़ अ डैश तो एक मैयर है हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर अ बिट कि वो uh, कितना टाइम लेता है टू टू टेक्स फॉर अ बिट ऑफ डेटा टू ट्रैवल अक्रॉस द नेटवर्क मतलब नेटवर्क पर uh, ट्रेवल करने के लिए फ्रॉम वन कम्प्यूट टू अदर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इट इज़ मैर इसको सेकंड्स में मैयर किया जाता है और फ्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ़ सेकंड्स में या मैयर इन सेकंड्स में टाइप्स ऑफ डिले की फॉलोइंग टाइप्स हैं प्रोपोकेशन डिले स्विचिंग डिले एक्सेस डिले और क्यूंग डिले फोर टाइप्स हैं इसकी और जो प्रोपोगेशन डिले है इट डिफाइंस एज द टाइम ऑफ ट्रैवल अक्रॉस मीडियम वो उस टाइम को डिफ़ाइन uh, करता है एज द टाइम टू ट्रैवल अक्रॉस मीडियम के ऊपर ठीक है स्विचिंग डिले है इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर नेटवर्क कंपोनेंट्स जो नेटवर्क कंपोनेंट्स है उन्हें रिक्वायर्ड होता है लाइक जैसे हब है ब्रिज है पैकेट है स्विच है टू तो फॉरवर्ड डाटा को फॉरवर्ड करने के लिए और एक्सेस डिले है it is the time required to get control of medium Jo uh, switching delay uh, sorry propagation delay have war uh, as the time to travel across medium like the same करॉस मीडियम पर जो टाइम ट्रेवल है उसको डिफाइन करता है और जो एक्सेस डिले है ये क्या करता है रिक्वायर टू तो गेट कंट्रोल ऑफ मीडियम लाइक सी एस एम डी सी डी टोकन वगैरह उसको क्यूंग डिले है कि पैकेट इट इज़ द टाइम इंक्वायर्ड इन पैकेट स्विचेस जो पैकेट स्विचेस के लिए इंक्वायर्ड होता है और थ्रो क्या है थ्रो इज़ अ मैयर ऑफ द रेट ये मैयर uh, करती है रेट को एट विच डेटा कैन बी सेंड थ्रो द नेटवर्क जिस पर रेट सेंड किया जाता है है और जो हमारा डिले था ये क्या था डिले इज़ हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर अ बिट ऑफ डेटा टू ट्रैवल अक्रॉस द नेटवर्क फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर और थ्रो में मैयर करते हैं कि विच डाटा कैन बी सेंड कि किस रे, आ, रेट पर डाटा सेंड किया जा सकता uh, 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 cap, uh, है नेटवर्क पर द थ्रो पुट कैपेबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग हार्डवेयर इज कार्ड बैंड जो थ्रो कैपेबिलिटी है ऑफ द अंडरलाइन हार्ड जो हार्डवेयर के अंदर है वो क्या कहलाती है बैंड कहलाती है बिकॉज ई फ्रेम कॉन्टेंस हैडर्स हर फ्रेम हैडर्स कॉन्टेंस करता है और जो इफेक्टिव थ्रोपुट है वो लेस दैन होती है जो हार्डवेयर की बैंड विथ है तो नेटवर्किंग प्रोफेशनल जो हैं वो ओफन मोस्टली या रेयरली यूज़ करते हैं टर्म स्पीड एज अ सनोनीयम ऑफ थ्रोपुट थ्रोपुट का वो सिनोनियम uh, आपसे पूछ सकते हैं कि थ्रोपुट का सिनोनियम क्या है तो वो स्पीड है रिलेशनशिप बिटवीन डिले एंड थ्रोपुट तो रिलेशन क्या है डिले और थ्रोपुट का तो अगर एक पैकेट है पैकेट uh, स्विच है उसकी एक क्यू है पैकेट्स की जो वेटिंग कर रहे हैं वेट कर रहे हैं कि जब एक न्यू पैकेट अराइव होता है द जो न्यू पैकेट्स है विल बी प्लेस्ड ऑन द एंटायर क्यू जो जो न्यू पैकेट्स है वो एक, क्यू के अंदर प्लेस होता है और विल नीड और उसको विल नीड टू वेट वाइल द स्विच फॉरवर्ड द प्रीवियस पैकेट तो उसको वेट करना है वेट करने की ज़रूरत है कि जब तक जो स्विच है फॉरवर्ड करता है प्रीवियस पैकेट को थ्रो पुट एंड डिले आर नॉट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है तो एम सी को जा सकता है कि थ्रो पुट और डिले एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं यस और नो तो आपने नो आंसर करना है आर नॉट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ठीक है एज अ ट्रैफिक इन अ कंप्यूटर नेटवर्क

एक कमांड है एस डिलेट डिले टाइम जो जो जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं से. Date, करता है को, network, जो कि नेटवर्क में uh, मौजूद होती है इन फास्ट नेटवर्क फास्ट नेटवर्क में विद लॉन्ग डिले टाइम्स सेंडिंग कंप्यूटर्स कैन जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा बिफोर डेस्टिनेशन रिसीव फर्स्ट बिट और जिटर क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ डिले डेट नेटवर्क इंट्रोड्यूस इज़ का जीटर जो अमाउंट ऑफ डिले है जो एक नेटवर्क इंट्रोड्यूस करवाता है वो क्या कहलाते हैं इस जीटर अ नेटवर्क विद जीरो जीटर टेक एक्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू ट्रांसफर ईच पैकेट जो नेटवर्क है जीरो जीटर के साथ एग्जैक्टली exactly उतना ही टाइम लेगा तो उसको ट्रांसफर करने के लिए पैकेट को ट्रांस जितना नेटवर्क विद हाई जिटर टेक्स मच लॉन्गर टाइम टू डिलीवर सम पैकेट्स देन अदर्स लेकिन जिसके ऊपर हाई जिटर्स होंगे वो ज़्यादा टाइम लेगा उन्हीं सेम पैकेट्स को डिलीवर करने के लिए तो ये हमारे लेक्चर ट्वेंटी तक कवर हो गए होप्सो आप कि आपको वीडियो पसंद आई है अगर वीडियो पसंद आई है तो खाली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो हाफिज़